दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका कहना है कि क्या मेरा डायबिटीज़ की दवा छूट सकती है या नहीं छूट सकती है। उनको शुगर पिछले एक महीने से हुआ है। तो जैसा कई पहले वीडियो बता चुका हूँ मैं, डायबिटीज़ केवल दो कंडीशन ख़त्म होती है। अगर कोई आदमी या औरत 10 किलो वेट कम कर ले, वजन कम कर ले, वजन कम करने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी इंसुलिन बनता है उसका असर बढ़ जाता है, प्लस वेट कम होने से मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर फैट कम होने से इंसुलिन का असर बढ़ने की वजह से, कम इंसुलिन जो भी बॉडी कम बना रही है उसका असर बढ़ने से शुगर नॉर्मल रहने लगता है। तो अगर वेट 10 किलो कम कर लोगे तो दवा छूटेगी। दूसरा था स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें पहले बता चुका हूँ कि हमारे स्टर्नल बोन से या थाई बोन से स्टेम सेल निकाल करके बॉडी इंजेक्ट किया जाता है, बट ये ट्रीटमेंट अभी अंडर ट्रायल है, एक्सपेरिमेंटल है, अभी प्रूवन नहीं हुआ है। तो अगर आप 8-10 किलो वेट कम कर पाते हो, डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करते हो, खूब सलाद खाते हो, सब्जी हरी सब्जी खाते हो, अनाज कम लेते हो, फल भी लेते हो, थोड़ा बादाम अखरोट काजू थोड़ा थोड़ा लेते हो, तो आपका बिना दवा कंट्रोल हो सकता है। अगर आप 4-5-6 किलो वेट कम नहीं कर सकते हो, यानी कि मान लो कोई ऑलरेडी दुबला है, उसके अंदर वजन घटाने कुछ स्कोप नहीं है, तो उसकी दवा छूट नहीं सकती। कोई जहाँ दवा छोड़ेगा शुगर फिर से बढ़ जाएगा। ऐसा मान लो ऑलरेडी कोई दुबला है और खूब दवा छोड़ के खूब परहेज करेगा, कम खाएगा, खूब एक्सरसाइज करेगा, तो बहुत दुबला हो जाएगा, तो फिर पर्सनैलिटी खराब लगेगी। तो केवल ओवरवेट लोग का वेट कम करके डायबिटीज दवा छूट सकती है, बाकी लोग दवा छूट नहीं सकती है।